हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली एग्जाम्स में लैके एक नवा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस दे विच बोलिया गया कि एग्जाम जो है ऑफलाइन भी लाए जा सकते हैं। सो वीडियो में एंड तक देखते रहो, एंड जेकर तुम चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लो। तो हम उस नोटिफिकेशन को देख लेंगे। सो यह नोटिफिकेशन है जिस दे विच तुम देख सकते हो कि इत गल की गई है रूरल एरिया एंड बॉर्डर एरिया के स्टूडेंट्स की। तो जिन्हें एग्जाम्स जो है 17 सितंबर तो स्टार्ट हो रहे हैं, तुम्हें सबको पता होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 17 सितंबर तो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इतने गल की गई है कि कॉलेज के वलों जो एग्जाम्स जो है ऑफलाइन भी ले जा सकते हैं, यानी कि थोड़ा कॉलेज इनफॉर्म करेगा थोनों कि थोड़े एग्जाम्स जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो यह क्यों किया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के कोल जिदा कि इलैक्ट्रॉनिक मोड नहीं होगा, जिदा कि मोबाइल फोन नहीं हो सकते, कुछ भी इदा का प्रॉब्लम हो सकती है, तो रूरल एरिया के कॉलेजेस जो है ऑफलाइन एग्जाम्स ले सकते हैं। तो इतने यही गल की गई कि कॉलेज अपनी मर्जी के नाल ऑफलाइन एग्जाम्स ले सकते, तो कोविड-19 की गाइडलाइनस को फॉलो करते हुए एग्जाम्स ले जा सकते हैं। सो इतने यही गल की गई जिदा कि तुम्हें वैबसाइट के उपर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो ही वैबसाइट के उपर क्वेश्चन पेपर आएगा तो थोड़े कॉलेज के टीचर के कोल पहुँच जाएगा एंड उस नाल थोड़े एग्जाम्स ले जाएंगे, यानी कि यह किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया एंड बॉर्डर एरिया के जिथे कि इलैक्ट्रॉनिक मोड नहीं होगा। अदरवाइज जेडे स्टूडेंट्स के कोल इलैक्ट्रॉनिक मोड यानी कि मोबाइल फोन सब को होगा तो टीचर थोड़े को बारे इनफॉर्मेशन ले लेंगे। तो फिलहाल ये बारे कुछ क्लीयर नहीं है कि स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉलेज ही इनफॉर्म करेगा कि एग्जाम्स थोड़े ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं या नहीं। तो तुम ये मान के चल सकते हो कि 17 सितंबर तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, फिर भी तुम अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट रखियो। इस अलावा कोई भी होर अपडेट आएगी तो थोड़ा इस चैनल पर मिलने वाली है। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो। थैंक यू।